हिंदी टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं जहीरुल, अगर आप गूगल पे यूज़र हो और आपको गूगल पे से बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस पता नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको गूगल पे से बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस पता है तो बहुत ही अच्छा है। गूगल पे से बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। आप आसानी से आपका गूगल पे से किसी भी बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आज का इस वीडियो में गूगल पे में बैंक अकाउंट ऐड करके अमाउंट ट्रांसफ़र करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप आपका मोबाइल में गूगल पे ओपन कर लेना। आप आपका पासवर्ड डाल देना। इसके बाद यहाँ पे नीचे न्यू पेमेंट में प्रेस करना। यहाँ ऊपर आप एक ऑप्शन देख सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र। यहाँ पे आप बैंक ट्रांसफ़र में प्रेस करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट नंबर। यहाँ पे आप कौन सा बैंक अकाउंट नंबर में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो वह बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे री एंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप दोबारा अकाउंट नंबर डाल देना। इसके बाद नीचे आप देख सकते हो IFSC, यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। अगर आपको IFSC कोड पता नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च फॉर IFSC में प्रेस करना। यहाँ पे बैंक नेम, आप कौन सा बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो आप उस बैंक का नेम यहाँ पे डाल देना। नीचे उसी बैंक का नेम आ जाएगा, आप यहाँ से उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद बैंक ब्रांच, आपका अकाउंट कौन सा ब्रांच में है आप यहाँ पे उस ब्रांच का नेम डाल देना। इसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हो IFSC कोड आ चुका है। आप यहाँ पे नीचे कंटिन्यू में प्रेस करना तो यहाँ पे आपका IFSC कोड अपडेट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आप रिसिपिएंट नेम डाल देना। यहाँ पे अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालने के बाद आप नीचे कंटिन्यू में प्रेस करना। यहाँ पे आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो अमाउंट डाल देना। यहाँ पे अमाउंट डालने के बाद नीचे व्हाट्स दिस फॉर, यहाँ पे आप कोई कमेंट डाल देना। इसके बाद आप यहाँ टिक मार्क में प्रेस करना। इसके बाद नीचे आप कौन सा बैंक अकाउंट से अमाउंट पे करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और नीचे प्रोसीड टू पे में प्रेस करना। यहाँ पे आप आपका UPI पिन डाल देना। यहाँ पे UPI पिन डालने के बाद नीचे ओके में प्रेस करना। तो यहाँ पे आपका पेमेंट प्रोसेसिंग होगा। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट प्रोसेसिंग हो चुका है। इसके बाद ट्रांजेक्शन देखने के लिए आप यहाँ नीचे बैक में प्रेस करना और लास्ट में आ जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी, आप यहाँ पे सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी में प्रेस करना। अभी मैंने 500 पे किया था, यह ट्रांसफ़र में आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे बैक कर लेना और ऊपर आ जाना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो अमाउंट इसी नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप इसमें प्रेस करते हो तो यहाँ ऊपर आपको अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगा।